स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनर ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट क्लोज। फाइंड 3 एंगल्स। तो तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होंगे इसे फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ से हम 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ पर एंगल सी जो है वो एंगल 3 एंगल बी के इक्वल है। तो एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इसको यहाँ पर लिख लिए, 3 एंगल बी इक्वल है इसके, इसको यहाँ पर लिख दिए। 3 एंगल बी इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। 2 एंगल बी इस तरफ आकर माइनस होगा, 3 माइनस 2 1, 1 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए यहाँ पर, एंगल ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी अपॉन 2। तो एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल बी को एंगल बी, एंगल सी 3 एंगल बी है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 को इधर लाएंगे तो एंगल ए इक्वल टू बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब ये पूरा ही बी की फॉर्म में आ गया। 2 को एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी इक्वल टू 180। तो ये 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 एंगल बी इक्वल टू 18 to the 30 360 डिग्री। तो एंगल बी 360 डिवाइडेड बाय 9 40 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर अगर 1 में हम इसको पुट करें तो एंगल बी 40 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री। फिर एंगल बी को यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, एंगल ए 20 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स।